इतिहास और विज्ञान पर शोध के मामले में भारत सबसे पीछे है। वह इस पर ज़्यादा खर्च नहीं करता। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, सरस्वती और गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है। यह पूर्वोत्तर भारत और बंगाल की प्रमुख नदी है। तिब्बत से बांग्लादेश फैली ब्रह्मपुत्र नदी के भू क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। कई नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं और यह कई संस्कृति और सभ्यताओं का मिलन स्थल भी है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक दर्शन है समन्वय का। इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। आर्य, अनार्य, मंगोल, तिब्बती, बर्मी, द्रविड़, मुगल, आहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन का गवाह यह ब्रह्मपुत्र रहा है। जिस तरह अनेक नदियां इसमें समाहित होकर आगे बढ़ी हैं, उसी तरह कई संस्कृतियों ने मिलकर एक अलग संस्कृति का गठन किया है। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र पर बृहत्तर आधार पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। यह प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई नदी है। तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांगपो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से जब नीचे उतरती है तो वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा को अपने सीने से लगाकर एक नया नाम पद्मा फिर मेघना धारण कर सागर में समा जाने तक की 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा ये नदी करती है। ब्रह्मपुत्र भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि इसे देशों के आधार पर विभाजित करें तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। यानी बंगाल की खाड़ी में समाने के पहले यह करीब 3000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर चुकी होती है। इस क्रम में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, भूटान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पहाड़ों से निकली अन्य अनेक नदियां इसमें समाहित हो जाती हैं। इस दौरान अनेक नदियां और उनकी उपनदियां आकर इसमें समा जाती हैं। हर नदी की अपनी कहानी है और उनके किनारे बसी जनजातियों की अपनी संस्कृति है। ब्रह्मपुत्र के कई नाम और पहचान हैं। हर क्षेत्र में इसके स्वभाव और आचरण में भी फर्क है। डिब्रूगढ़ में इसका मीलों लंबा पाट इसकी विशालता को दर्शाता है, तो गुवाहाटी में दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच से गुजरने के लिए यह अपना आकार छोटा कर लेती है। फिर नीलांचल पहाड़ जिस पर माँ कामाख्या का मंदिर है, उनका चरण स्पर्श करने के बाद आगे जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेती है। असम के अधिकांश बड़े शहर इसी के किनारे विकसित हुए हैं। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी और ग्वालपाड़ा इसी के किनारे बसे हुए हैं। भारत को ब्रह्मपुत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। यह नदी भी सिंधु सभ्यता की नदी से कम नहीं है। प्राचीन मानव इसी के आसपास रहता था। इस नदी क्षेत्र में सैकड़ों गुफाएं, घने जंगल और कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं।